पबजी पीसी को रिलीज हुए बहुत दिन हो गए और ये फिलहाल बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल भी हो गया, जैसे कि तुर्की, ब्राजील, थाईलैंड, फिर बांग्लादेश, बहुत सारे कंट्रीज में ये अवेलेबल हो गया। बट फिलहाल के लिए ये वाला गेम जो है, ये वाला गेम अभी तक इंडिया में नहीं आया है, बट ये वाला गेम अभी बहुत जल्द इंडिया में भी आने वाला है। शायद से इस मंथ के एंड में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में ये वाला गेम आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। बट इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अभी कभी पबजी मोबाइल को जो है इंडिया के अंदर अपने पीसी में कैसे खेल सकते हो। और ये वाला वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, मतलब कि जब तक इंडिया में पबजी पीसी लाइट लॉन्च होगा, मतलब कि जब तक रिलीज होगा, तब तक आप मतलब वीपीएन लगा के ये वाला गेम को प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब हाथ मतलब सही कर सकते हो एमिंग में और मतलब ऐसे रिकॉइल कंट्रोलिंग में। और जब तक ये वाला गेम इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तब तक आप मतलब अच्छे तरीके से स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे, अच्छे तरीके से गेम प्ले भी दे पाओगे। प्लस ये वाला वीडियो में मैं आपको दो वीपीएन बताऊंगा, एक तो एक पेड वीपीएन है, एक फुल्ली फ्री वीपीएन है जहां पे आपको कोई एड्स वगैरह नहीं मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखने गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। एंड विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स बिगिन द शो। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो PUBG PC लाइट वर्जन है वो अभी तक इंडिया में नहीं आया है। बाकी सारे कंट्रीज में जैसे कि ब्राज़ील, सिंगापुर और फिर थाईलैंड और फिर तुर्की, मतलब बहुत सारा कंट्रीज़ में इन्होंने लॉन्च कर दिया है, बट अभी इंडिया में आना बाकी है। और रिसेंटली PUBG PC लाइट का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जहाँ पर उन्होंने एक ताजमहल का पिक्चर दिखाया हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है कमिंग सून। तो भैया, ताजमहल तो हमारे मतलब देश में सिर्फ और सिर्फ है, मतलब एक लौता ताजमहल है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया की बात कर रहा था। और होपफुली बहुत ही जल्दी ये गेम आपको पीसी में देखने को मिलेगा, वो भी इंडिया में, आपको कोई वीपीएन वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि मतलब जब तक पबजी पीसी लाइट इंडिया में नहीं आ रहा है, तब तक आप क्या कर सकते हो, वीपीएन लगा के इसको खेल सकते हो, और मतलब लॉन्च से पहले ही आप अपना स्किल्स को जो ऐसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, और एक बार लॉन्च हो गया तो भाई बंद हो गया, ऐसे फोड़ देना, ठीक है। तो अभी मैं भी इस गेम को बहुत दिनों से अभी खेल रहा हूँ वीपीएन लगा के, और आई थिंक दिस इज़ बेटर देन पबजी मोबाइल एंड बेटर देन पबजी पीसी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत फीचर्स पबजी मोबाइल से भी लिया हुआ है और थोड़ा बहुत फीचर जो है पबजी पीसी से भी लिया हुआ है। ग्राफिक इसका जो है बहुत ही मस्त है, पबजी मोबाइल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पबजी पीसी से थोड़ा सा कम है, ठीक है। और मेन थिंग जो है यहाँ पे इसको चलाने के लिए ऐसे मतलब कोई हाईफाई प्रोसेसर, हाईफाई ग्राफिक कार्ड नहीं लगेगा, मतलब आपका डुअल कोर का प्रोसेसर है दैट्स फाइन, वो चल जाएगा। आपके पास एनवीडिया का GT 1030 है वो भी चल जाएगा, आपके पास मतलब R7 का कोई GPU है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए इसका नाम है PUBG Lite, ठीक है। एनीवे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला गेम को जो है आप अभी कभी अपना पीसी में कैसे खेल सकते हो और कौन सा वीपीएन बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैं एक पेड वीपीएन दिखाने वाला हूँ और एक फ्री वीपीएन दिखाने वाला हूँ, मतलब कि टोटली फ्री है एक वीपीएन और दूसरा वाला वीपीएन जो है पेड है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा ऑब्वियसली, और क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे आप गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, सिंपली लिख सकते हो PUBG PC Lite, ठीक है, पबजी पी सी लाइट हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जो पहला वाला लिंक आएगा उसमें आपको क्लिक करना है, तो ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे इस पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट का, ठीक है, अकाउंट में क्लिक कर दो, दूसरा वाला टैब खुल जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आप क्रिएट में अकाउंट में जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लो और जीमेल वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर लो। एक बार आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया उसके बाद आपको वापस से ये वाला पेज में आना है, जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा डाउनलोड लिंक, मतलब डाउनलोड वाला बटन दिया हुआ है, उसमें आपको क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पे भी डाउनलोड वाला लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा। और मेरे हिसाब से इनका जो सर्वर है अभी मतलब बहुत ही स्लो है, देख सकते हो डाउनलोड में क्लिक करने से डाउनलोड नहीं हो रहा है, बट डोंट वरी, मैं इनका जो डाउनलोड का सेटअप है, मतलब कि यहाँ से जो सेटअप डाउनलोड होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप पहले अकाउंट क्रिएट कर लो, और यहाँ से अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से डाउनलोड कर सकते हो वो सेटअप को। सेटअप को डाउनलोड करने के बाद सेटअप कुछ इस तरह का दिखता है, पबजी लाइट सेटअप इस तरह का नाम से आता है, उसको आप डबल क्लिक कर लो, जैसे इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल कर लो, मतलब ऐसे इंस्टॉल कर लो, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा। एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का सेटअप आ जाएगा, ठीक है, पबजी लाइट एक बार इंस्टॉल करने के बाद ये जो लॉन्चर है ये आपका पीसी में आ जाएगा, और यहाँ पे आपको वो वाला आईडी डालना है जो कि आपने हाल ही में क्रिएट किया है पबजी पीसी लाइट के लिए। तो मैंने अपना आईडी यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो, और मैं अपना पासवर्ड भी डाल दिया है। तो यहाँ पे लॉगिन करने से पहले यहाँ पे आपको वीपीएन डाउनलोड करना जरूरी है, उसके लिए आपको वापस से क्रोम में जाना पड़ेगा। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो प्रोटॉन वीपीएन, ठीक है, प्रोटॉन वीपीएन काफ़ी अच्छा वीपीएन है, मैं अभी इसी को यूज़ कर रहा हूँ, बट इसका लिमिटेशन है क्योंकि ये एक पेड वीपीएन है, ऑब्वियसली लिमिटेशन होगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला लिंक से उनका वेबसाइट में चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा मतलब UI है, जो भी है व्हाटएवर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले साइन अप कर लो, साइन अप करने पे आपका जो अकाउंट है वो एलिजिबल हो जाएगा 7 डेज का फ्री ट्रायल के लिए, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप 2 जीमेल से यहाँ पे साइन अप करते हो तो यहाँ पे आपको
मतलब 14 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाएगा और उतने दिन में शायद पबजी पीसी लाइट इंडिया में आई जाए, तो बाद में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गेट फ्री में क्लिक कर सकते हो। गेट फ्री में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल सकते हो, ठीक है। ईमेल डालने के बाद जो भी प्रोसीजर है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अपना ईमेल डाल दिया यहाँ पे, और ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट प्रोटॉन वीपीएन फ्री। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा आपका जो ईमेल है वहाँ पे, जो भी है वेरीफाई कर लो। वहाँ पे आप एक अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आप उनका सर्वर से जो वीपीएन का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड फॉर विंडोज़ अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। और मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा से मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ। देख सकते हो प्रोटॉन वीपीएन डाउनलोड किया हुआ है। इसको भी आप नॉर्मली इंस्टॉल कर लो, जैसे इंस्टॉल करते हैं आपको तो पता ही होगा। एक बार आपने वो वीपीएन इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद वो वीपीएन को ओपन कर लो आप। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा प्रोटॉन वीपीएन है, इसको मैंने ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड जो भी आपने बनाया है उनका वेबसाइट में वो आपको डालना है। और एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, आपने लॉगिन साइन अप कर लिया इस सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और सर्च करना है सिंगापुर वीपीएन के लिए, ठीक है। देख सकते हो ये हमारा सिंगापुर वीपीएन, उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। मतलब कनेक्ट पे क्लिक करना है, ऑब्वियसली छोटा सा मतलब कनेक्ट का बटन है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये तुरंत ही कनेक्ट हो जाता है। तो एक बार ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम पे जाना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे डेट एंड टाइम, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम सेटिंग पे जाना है, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नॉर्मली जो हमारा जो क्लॉक मतलब यूटीसी है वो यहाँ पे सेट रहता है, चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, मतलब अगर आप इंडिया से हो तो। बट यहाँ पे आपको गेम को रन करने के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा UTC+8 जो कि सिंगापुर का सर्वर है। उसके बाद आप नॉर्मली यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो डाउनलोड प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आपने पूरा का पूरा गेम को डाउनलोड कर लिया, मतलब कि 2.3 GB का होता है, डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हो और आपका गेम जो है तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पबजी पीसी लाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और मतलब चालू हो चुका है। और अगर आपका मतलब यहाँ पे पिंग हाई है तो यहाँ पे आपको रेड रेड करके दिखाएगा, जो कि पिंग हाई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे छोड़ मतलब कुछ भी नहीं है। बट उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहाँ पे दो वीपीएन बताऊंगा। एक तो है मतलब ये वाला वीपीएन प्रोटॉन वीपीएन, जो कि एक पेड वर्जन वीपीएन है। बट अगर आपको फुल्ली फ्री वीपीएन चाहिए तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जा सकते हो। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे गया और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो टच वीपीएन, ठीक है, टच वीपीएन, एंड ये आ जाएगा। ये एक फुल्ली मतलब एकदम फ्री वाला वीपीएन है, देख सकते हो टच वीपीएन एकदम फ्री वीपीएन है, कोई ऐड नहीं है, कोई मतलब कोई भी लफड़ा नहीं है। ये हमारा टच वीपीएन, यहाँ पे बहुत सारा सर्वर्स ऑलरेडी है, तुर्की है, फिर यहाँ पे ब्राज़ील भी होगा, शायद ब्राज़ील भी है, इंडोनेशिया भी है, और फिर यहाँ पे सिंगापुर भी है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो है ये वाला वीपीएन, ज़्यादा फास्ट है और ये वाला वीपीएन थोड़ा सा स्लो है। तो काम चलाओ वीपीएन है ये वाला, और अगर आपको ये वाला ट्राई करना है, दिस इज़ सुपर फास्ट वीपीएन, तो यू कैन ट्राई वन ऑफ दिस। तो अभी मैं आपको पबजी का थोड़ा बहुत गेम प्ले दिखाता हूँ कि एक्चुअली में खेलने में कैसा लगता है, एंड एंजॉय द शो। सो दैट वॉज वीडियो मेड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बताना कैसा लगा, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।